तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महाभारत काल के सर्वाधिक उत्तम योद्धा अर्जुन एवं त्रेता युग के महापराक्रमी योद्धा मेघनाथ में कौन अधिक शक्तिशाली था उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप सभी से उम्मीद है हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। आप सबसे ये बहुत आशा है कि आप सभी हमारे 700 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी पूरे करा देंगे। तो पहले हम बात करते हैं महावीर अर्जुन के बारे में। शूरवीर अर्जुन ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण एवं गुरु कृपाचार्य से ली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महावीर अर्जुन महाभारत काल के सर्वोत्तम योद्धाओं में से एक थे। महारथी अर्जुन ने अपने जीवन के प्रथम युद्ध में ही महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत किया था। खांडवन दहन के समय महावीर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेकों नागों, गंधर्वों, अनेकों देवों को परास्त किया था। अर्जुन ने अकेले ही अपने पिता स्वयं देवराज इंद्र को भी परास्त कर डाला था। विराट युद्ध में तो अर्जुन ने अकेले ही गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन समेत पूरी कौरव सेना को परास्त कर डाला था। अर्जुन ने ही गंधर्वों से घोर संग्राम करके दुर्योधन की रक्षा की थी। स्वयं देवों के देव महादेव के साथ भी गांडीवधारी अर्जुन ने डटकर युद्ध किया था। हालांकि वो पराजित हो गए थे, परंतु भगवान शिव ने उनके रण कौशल से प्रसन्न होकर उनको महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र का वरदान दिया था। अर्जुन ही मात्र एक ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से धनुष चलाने में निपुण थे, इसी के कारण उन्हें सभ्यसाची भी कहा जाता है। निवात कवच राक्षसों के साथ भी महावीर अर्जुन का एक बहुत ही भीषण संग्राम हुआ था। निवात कवच राक्षसों की संख्या लगभग 7 करोड़ थी। महावीर अर्जुन ने रुद्रास्त्र एवं वज्रास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों का ही उपयोग कर उन सभी को मार डाला था। महाभारत युद्ध में भी अर्जुन ने कौरव सेना के लगभग हर एक योद्धा को एक से अधिक बार पराजित किया था। युद्ध के 14वें दिन तो अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को अकेले ही परास्त कर डाला था। हालांकि वो गुरु द्रोण को पराजित नहीं कर पाए थे, परंतु उस दिन अकेले ही उन्होंने 7 अक्षौहिणी सेना मार डाली थी। अर्जुन के पास महाभारत काल के लगभग अनेकों दिव्यास्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, रुद्रास्त्र, अग्रयास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। तो अब हम बात करेंगे शूरवीर मेघनाथ के बारे में। महावीर मेघनाथ लंकापति रावण एवं महारानी मंदोदरी के पुत्र थे। मेघनाथ ने अपनी शिक्षा महागुरु शुक्राचार्य जी से प्राप्त की थी। रामायण युद्ध के समय महापराक्रमी धनुर्धर शेष नाग अवतार लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने 2 बार परास्त किया था। मेघनाथ ने प्रथम युद्ध में ही भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। लक्ष्मण जी के साथ दूसरे महायुद्ध में मेघनाथ ने अपने अमोघ शक्ति बाण का उपयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। महावीर मेघनाथ ने नल, नील, सुग्रीव, अंगद जैसे कई बड़े वीरों को भी पराजित किया था। मेघनाथ महाबली हनुमान के साथ भी डटकर युद्ध करने में सफल रहे थे। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह भी कह दिया था कि रावण से अधिक कठिन मेघनाथ का वध करना है। देव असुर संग्राम में भी स्वयं मेघनाथ ने अकेले ही भगवान इंद्र को परास्त किया था, इसी के कारण मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। मेघनाथ के पास कई शक्तिशाली एवं महाविनाशक अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, नागपाश अस्त्र, अमोघ शक्ति बाण और पाशुपतास्त्र। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कई प्रकार की मायावी विद्याओं का ज्ञान जान गए थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी तामसी माया। इस मायावी शक्ति को हासिल करना कोई आम बात नहीं थी। तामसी माया का वरदान मेघनाथ को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ था। मेघनाथ ने तामसी माया को हासिल करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञ किए थे। वे 7 महायज्ञ कुछ इस प्रकार है: अग्नि शोम, अश्वमेध, राजसूर्य, बहुस्वर्णक, गोहमेध और महेश्वरा। इन सभी महायज्ञों के ही कारण एवं मेघनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मेघनाथ को तामसी माया का वरदान दिया था।
वीडियो के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अर्जुन तथा मेघनाथ में कौन श्रेष्ठ था। सबसे पहले तो ये दोनों ही महावीर अपने अपने युग के बहुत बड़े योद्धा थे। हाँ, अर्जुन को अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त थे, वहीं मेघनाथ को भी अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त थे। इन दोनों ही योद्धाओं के पास किसी भी अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी, परंतु हाँ, तामसी माया का वरदान मेघनाथ को मिला था, इसी के कारण वो कहीं ना कहीं अर्जुन से श्रेष्ठ थे। तामसी माया की कोई काट ही नहीं थी, तामसी माया ही मेघनाथ को अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ बनाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे हो सके। तो हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें, और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।